दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है कि आप कम पैसों में मालदीव्स कैसे एंजॉय कर सकते हैं, आपका टिकट का चार्ज कितना रहेगा, आपको वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, आपको होटल कहाँ लेना है, तो वो सब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे सभी वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई से या दिल्ली से आना चाहते हैं मालदीव, तो यहाँ पर डायरेक्ट फ्लाइट है जो इंडिगो और गो एयरलाइंस ये दोनों ऑपरेट करते हैं, और इनका जो चार्ज रहता है वो टू वे का 15 to 20,000 के बीच में रहता है। और जो वीज़ा है मालदीव्स की वो इंडियंस के लिए ऑन अराइवल वीज़ा रहता है और 90 डेज़ का ये वीज़ा रहता है। और अगर आपको होटल बुक करना है तो आप अगोडा के ज़रिए, agoda.com के ज़रिए आप होटल बुक कर सकते हैं। वहाँ पर इंडियन 1,500 से लेके 2,000 की रेंज में आपको अच्छा होटल मिल जाएगा। और मालदीव में आने से पहले आपको होटल की बुकिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इंडिया से आते हैं तो आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, इंडिया के जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप आ रहे हैं, वहाँ पर इमिग्रेशन में आपसे पूछा जाता है कि आपकी बुकिंग है, तो आप अपने होटल की बुकिंग का जो स्लिप रहता है वो अपने साथ में रखें। और आप जब यहाँ मालदीव्स आ जाते हैं और आप जो आइलैंड में रुक सकते हैं वो है हुलुमाले आइलैंड, बिलिंगली आइलैंड, फूशी आइलैंड एंड माले सिटी। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना जो सफ़र है वो कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले आप हुलुमाले में कोई भी जो होटल है वहाँ पर बुक कीजिए सिर्फ 2 डेज़ के लिए। आप 2 डेज़ में 1 डे आप माले सिटी और विलिंगली आइलैंड, ये दोनों आप जो है वो कवर कर सकते हैं। 1 डे हुलुमाले में आप अपना वाटर स्पोर्ट्स जो है वो सब कर सकते हैं। देन 3rd डे आप जाइए माफूशी, माफूशी आइलैंड जो हुलू माले से 45 मिनट की दूरी पर है। आप वहाँ पर जाकर अपना सफारी बोट पे जा सकते हैं, वहाँ पर पूरी रात उस बोट पर रह सकते हैं। उसके चार्जेस अलग हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको रेट जो है वो बता दूंगा। एक चीज़ और, आपको इस वीडियो में एक सरप्राइज़ मिलेगा जो मैं आपको एंड में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन आपको मज़ा आएगा। माफूशी आइलैंड में पहुँच जाएँ, एक दिन आप वहाँ पर इंजॉय करें, पूरा दिन आप माफूशी आइलैंड पर इंजॉय करें, रात में आप सफारी बोट पर अपना इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आप माफूशी से जस्ट 15 मिनट बाई बोट आपको स्पीड बोट से जाना है, उस आइलैंड का नाम है गुरेदू आइलैंड, तो आप वहाँ पर भी जाकर अपना इंजॉयमेंट कर सकते हैं। अभी आते हैं सरप्राइज पे। सरप्राइज़ ये है कि आपको मालदीव्स के साथ साथ श्रीलंका फ्री में कैसे घूमने को मिले। हाँ, आपको श्रीलंका फ्री में आप घूम सकते हैं। वहाँ पर आपको कोई होटल चार्ज नहीं, आपको वीज़ा का कोई पे नहीं करना है। तो उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले जो है श्रीलंकन एयरलाइंस को बुक कीजिए, श्रीलंकन एयरलाइंस, और वो कनेक्टिंग फ्लाइट लीजिए दिल्ली टू मुंबई, या सॉरी दिल्ली टू कोलंबो, कोलंबो टू माले, या मुंबई टू कोलंबो, कोलंबो टू माले। बट आप एक चीज़ याद रखिए कि आपका जो ले ओवर होगा कोलंबो में, श्रीलंका में, वो 8 आवर से ऊपर रहना चाहिए, यानी 10 आवर रहना चाहिए या 14 आवर रहना चाहिए। आप वो वाला टिकट बुक कीजिए। आप जब श्रीलंका में आ जाते हैं इंडिया से तो आप डायरेक्ट वहाँ एयरपोर्ट पे श्रीलंकन एयरलाइंस के काउंटर पे जाइए, उन लोगों को बोलिए कि मेरा 8 आवर या 10 आवर का ले ओवर है और मुझे होटल चाहिए, तो वो आपको होटल प्रोवाइड कराएंगे। आपके बोर्डिंग जो रहता है उस पर एक स्टैम्प मार के देंगे, वो स्टैम्प, वो बोर्डिंग पास लेके आपको जाना होगा इमिग्रेशन काउंटर पे। इमिग्रेशन काउंटर पे वो एक छोटा स्लिप रहता है, वो आपके पासपोर्ट पे लगा देंगे। फिर आप एयरपोर्ट से बाहर आइए। एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद आप जब होटल में जाएंगे, अपने होटल वाले को आप बोलिए कि मेरा 10 आवर का ले ओवर है और मुझे बाहर घूमना है। तो 2018 में जब मैं वहाँ पर गया था श्रीलंका में, तो $10 में मैंने कम से कम 2 घंटा
वो ऑटो ड्राइवर जो था उसने 2 घंटे मुझे बीच पे घुमाया, वहाँ पे बहुत सारे मैंने टेम्पल देखे, चर्च देखे। तो आप ऐसे अपने मालदीव्स की ट्रिप में आप श्रीलंका को ऐड कर सकते हो, आप 10 घंटा वहाँ पर घूम सकते हो। तो है ना ये सरप्राइज़। तो आप कभी भी जब आओ तो आपको अगर डायरेक्ट आना है आप डायरेक्ट आ सकते हो, और अगर आपको श्रीलंका घूमते हुए आना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बट श्रीलंकन एयरलाइंस का जो टिकट होगा वो थोड़ा सा कॉस्टली होगा, अराउंड 36 to 38 thousand। सो अभी ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होती है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। और हाँ, जैसा कि मालदीव्स में अभी कर्फ्यू और लॉकडाउन चालू है तो मैं बाहर का कुछ कवर नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो मैं जल्द से जल्द नई वीडियो बनाऊँगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेस दिखाऊँगा। तो जल्द से जल्द आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।